मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। जय श्री श्याम। आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं सुबह के 10 बजे से, और मैं निकल पड़ा हूँ, मैं जा रहा हूँ मतलब एसी ख़रीदने के लिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गर्मी है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है बिना एसी के। हमने सोचा था इस मंथ चल जाएगा, नेक्स्ट मंथ हम ले लेंगे, बट बिल्कुल नहीं चल रहा है और एसी ख़रीदना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो चुका है। सो हम जा रहे हैं, यहाँ पास में ही एक मॉल है, वहाँ क्रोमा का स्टोर है, तो हम वहीं जा रहे हैं एसी ख़रीदने के लिए और चल के देखते हैं एसी। हालांकि हमने पसंद कर चुका है, ऑनलाइन देख के सेलेक्ट कर लिया है, बस वही वाला जाके लेंगे। और जाके स्टोर से लेने का कारण ये है कि वहाँ जाके अगर हम लेते हैं तो हो सकता है शायद आज ही डिलीवरी हो जाए और कल तक इंस्टॉल हो जाए, तो इसलिए हम जा रहे हैं वहीं पर और ऑनलाइन के चक्कर में नहीं जा रहे हैं। तो घर से निकलते हैं, निकल के एसी फटाफट से चल के बुक करते हैं और ये वीडियो घर से निकल के कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं मॉल में और ये है गौर सिटी मॉल और यहाँ पे मोस्टली सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। चलते हैं क्रोमा के स्टोर में, क्योंकि सबसे पहले चल के एसी बुक करते हैं, तब जान में जान आएगी और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपको बता नहीं सकता। चलते हैं क्रोमा के स्टोर में। सो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे एसी है, बहुत सारे ऑप्शंस है। इंसान आएगा तो एक बार कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या ले और क्या ना ले, बट हमने एसी ऑलरेडी पसंद कर रखा है, एसी चल के लेते हैं, बिलिंग करवाते हैं और जल्दी से जल्दी डिलीवरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ब्लू स्टार्स की एसी है, सबका अलग अलग रेंज है, अलग अलग, कोई 5 स्टार है, कोई 3 स्टार है, कोई 2 स्टार है, साथ में डाइकिन और वोल्टास भी है। बट हमने पसंद किया है क्रोमा का एसी, क्योंकि क्रोमा टाटा का कंपनी भी है, प्लस क्रोमा के रेट्स वगैरह भी काफ़ी सही है और नॉमिनल रेट में काफ़ी अच्छी चीज़ें देते हैं। सो हमने क्रोमा का एसी ही पसंद किया है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सैमसंग भी है, डाइकिन भी है, हायर भी है, बस एक ओ जनरल हमें नहीं दिखा, उसका एक या दो ही मॉडल था। बाकी विंडो एसी भी है यहाँ पर, और विंडो एसी भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं। आजकल तो विंडो एसी में भी इन्वर्टर एसी आना शुरू हो चुका है। बाकी आप प्राइसेस देख सकते हैं, 34,490 है, 35,000 है, 37,000 है, ऐसे बहुत सारे रेंज है। सो आप विंडो एसी भी ले सकते हैं, 5 स्टार भी आता है और 1.5 टन भी है, 1 टन भी है, 2 टन भी है। सो आप अपने हिसाब से जो आपको सुविधा लगे आप ले सकते हैं, जो आपके लिए सूटेबल हो। बाकी यहाँ पे फ्रिजेस वगैरह भी है, तो उस पर हमने ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि हमें वो लेना नहीं था, तो टाइम ख़राब करके फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर लॉयड का एक अलग से काउंटर बना हुआ है, जिसपे लॉयड के जो टॉप नॉच एसी है सिर्फ वही है। और हमारा एसी ये है, आप देख सकते हैं, हमने लिया है क्रोमा का 1.5 टन। सो लास्ट में बिलिंग के टाइम पता चला कि वो वाला एसी अवेलेबल नहीं था, सो हमें ये वाला एसी दिया गया, वो वाला एसी स्टॉक में नहीं था। सो इस एसी का 500 रुपये ज़्यादा है उससे, बट ठीक है, दोनों के फीचर सेम है, सो हमें अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं साल में सिर्फ 768 यूनिट ही कंज्यूम होंगे। अगर आप 15 आवर्स चलाते हैं पर डे, 5 स्टार एसी है, 10 इयर्स की वारंटी भी है कंप्रेसर की। सो एसी वगैरह, एसी का फीचर्स वगैरह काफ़ी सही है, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। सो गाइस, वहाँ से तो निकल गए और मैं जा रहा हूँ वेकफिट के शॉप में, क्योंकि हमने एक मैट्रेस भी लिया था, उसका कुछ कंप्लेन करने करने। सो गाइस, ये है मेरा लंच और आज बना है आलू की सब्ज़ी और पराठा। सो आज पराठा खाने का मन था, तो इस लंच को कंप्लीट करते हैं और कैब मेरी आ चुकी है। ऑफिस का भी काम है, 1 घंटे से काम बंद पड़ा हुआ है क्योंकि लाइन ही नहीं है। 4 बजे से 1 नहीं 1.5 घंटे हो गए ऑलमोस्ट, अब देखते हैं कब लाइन आता है। वैसे नोटिस तो सुबह ही आ गया था सोसाइटी का, सोसाइटी वाले ग्रुप में, कि 4 से 5:30 के बीच लाइन नहीं रहेगा, पता नहीं कुछ काम हो रहा है लिफ्ट में शायद। तो 5:30 तो बज गए, अभी तक तो लाइन आया नहीं, देखिए कब आता है। हे फ्रेंड्स, तो अभी तक तो लाइन आई नहीं और मेरा काम भी अभी बंद है। लग गई मुझे भूख, क्योंकि मैंने 1 बजे लंच किया था, अभी 6:45 हो गया, तो मैंने अपने लिए फटाफट से चीला का बैटर बना लिया। सूजी और बेसन का चीला बना रही हूँ, हेल्दी सा चीला, तो बस यही बनाऊँगी और ये करूँगी अभी मैं ब्रेकफास्ट। अभी इस टाइम पे मेरे पास ज़्यादा वेजिटेबल्स अवेलेबल थे नहीं, कैप्सिकम वगैरह, तो मैंने सिर्फ प्याज,
टमाटर और धनिया पत्ता डालकर बैटर बनाया, हल्दी नमक और क्या बोलते हैं उसको, जीरा और ये मस्टर्ड सीड डालकर ये बैटर प्रिपेयर किया है। बस मैं इसमें अभी कड़ी पत्ता डालूँगी, तवा चढ़ा दिया है मैंने, बस अब इसमें चीला बनाऊँगी। फ्रेंड्स तो ये देखिए तवा पे मैंने ऑयल लगा दिया, ऑयल मेरा अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी बैटर, और पहला चीला हमेशा टूटता है मेरा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? पहला चीला कभी परफेक्ट नहीं बनता, पता नहीं ये वाला टूटेगा या सही से निकल जाएगा। ये मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। ये बिल्कुल क्लीन निकला फ्रेंड्स पहला चीला, और ये दूसरा चीला थोड़ा ये स्पॉट्स आ गए ओवर हीटिंग के कारण लग रहा है, लेकिन ठीक है, पर ये जला हुआ नहीं है। फ्रेंड्स तो देखिए मेरा चीला तैयार है, ये चीला और ये सॉस। अब हम इसे खाते हैं और आपसे मिलते हैं खाने के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस ये है हमारा आज का डिनर, मैं ऑफिस से आया हूँ, इसको लेके आया हूँ साथ में, और मैं ठीक से उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ तो आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, घर जाके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस मैं ऑफिस से आ चुका हूँ, और ऑफिस में मुझे मिला है ये ट्रीट जो कि है डोमिनोज का पिज़्ज़ा। सो जनरली ये मिलता है हमें मंथ में एक बार कुछ ना कुछ ट्रीट मिलता है, सो आज मिला है ये, आपको दिखाते हैं कौन सा पिज़्ज़ा है। मिला एक था एक्चुअली, मैं दो लेके आ गया क्योंकि मुझे दो बार आगे कूपन दे दिया इन्होंने, तो मैंने दो बार ले लिया। तो ये है, तुमको मिलता नहीं है, तुम दो बार के लिए कूपन के लिए तुम जाते हो। अरे एक्चुअली हम जिस शिफ्ट में है ना, उनको लगता है कि ये सुबह वाला भी शिफ्ट में है, रात वाली शिफ्ट में भी है, सुबह वाला अलग कूपन दे गया, रात वाला और तुम एक कूपन लेते हो मेरे लिए ना। ये दो पिज्जा हो गए हैं, और साथ में ये फैंटा में खरीद के ले आया ताकि एक में शेयर ना करना पड़े। हाँ जी, तो इसको खाते हैं और कंप्लीट करते हैं। इसका टेस्ट तो हम क्या ही रिव्यू करें, ये तो अच्छा ही होगा, ऑब्वियस सा बात है, डोमिनोज का पिज़्ज़ा है तो इसके लिए कुछ रिव्यू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और खा लेते हैं फिर इसको, कंप्लीट कर लेते हैं।